शारदा नगर पे स्नान करना है अभी, शारदा नहर में, और यहाँ पे स्नान करेंगे। अब देखो ये नज़ारे हैं भाई साहब, स्नान आना जरूरी है यहाँ पर, स्नान जरूर करना आके। ये देखो टनकपुर जब भी आएंगे आप तो यहाँ पे आना जरूर स्नान करने के लिए। ज़बरदस्त नज़ारे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट को, पत्थर है ना, थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा भाई साहब। पानी ज़बरदस्त है, एकदम ज़बरदस्त पानी है। हाय हाय हाय, प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्या मिलते हैं रुकता है ना, उठना तो बहुत रुकता था, आज बहुत ज़्यादा, कल से चलते चलते। बहुत भीड़ भी है, बहुत महंगाई भी है, बहुत भीड़ भी है, बहुत महंगाई भी है। अरे वहाँ चाय पी भैया, खाया मैंने, इतना मीठा हलवा यार। अरे हम तो चाय पीते हुए आए थे आराम से, चाय खाना आराम से, ये बढ़िया है वहाँ पे होने के लिए, तो बात अच्छी है। अगर दिन में ट्राई करेंगे तो खाने के अंदर नहीं है। बालों की हालत हो गई है ख़राब। अब हम लोग बॉर्डर पे आ गए हैं, यानी भारत और नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करने वाले। यहाँ पर भीड़ देखो बहुत है, शायद यहाँ पे फोन पता नहीं अलाउड है कि नहीं है, पर यहाँ पर कुछ भी कहो ज़बरदस्त नज़ारे हैं। आपको दिखाते हैं अभी थोड़ा फ्रंट में आपको दिखाने वाला हूँ। ये बैराज बना हुआ है यहाँ पर, और सामने पहाड़ हैं, जितने सामने पहाड़ आपको दिख जाएंगे, किनारे भी आपको शारदा नदी मिल जाएगी। अब यहाँ देखो दिखाते हैं आपको, रुकिए। ये देखो ये है शारदा बैराज, और शारदा बैराज हमको जाना है उधर नेपाल, हम लोग बॉर्डर पर हैं नेपाल के बॉर्डर पे। और ये देखो पानी, एकदम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी भीड़ है, बहुत काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। पहुँचने में भी लगभग आधा घंटा लग जाएगा, तो पहुँच के आपको फिर वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं वीडियो शायद दो पार्ट में कर दूंगा, पार्ट वन एंड पार्ट टू। आप लोग जो भी सुटेबल हो आप कर सकते हैं, या मैं पार्ट एक नहीं कर दूंगा, लगभग आधे घंटे ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। छोटी छोटी क्लिप्स हैं, मिलते हैं आगे और दिखाते हैं और आपको खूबसूरत नज़ारा। ये बिल्कुल कॉपी है शारदा बैराज नेपाल वाला ये जो, और जो हमारा शारदा नगर वाला जो पुल है लखीमपुर में, एजिटी बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। बट यहाँ पे है कि ये इंटर स्टेट बॉर्डर यहाँ पे है, हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर पर जाता है यानी नेपाल का। यहाँ पे देखेंगे पूरा का पूरा पानी है, अभी बंद पड़ा हुआ है, मेन इधर है पूरा जलाशय, यानी पूरा कवर किया गया है, पानी को रोका गया है यहाँ पर है। उधर नहीं लेके जाएंगे वरना फ़ोन गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ से हम लोग चल रहे हैं पैदल, जाएंगे नेपाल और वहाँ से फिर दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। बॉर्डर से आपको चलना पड़ेगा पैदल, तो जब पैदल आप चलेंगे तभी पहुंचेंगे, लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा। कौन सा मंदिर ये वाला? सिद्ध बाबा मंदिर के लिए। और यहाँ से साइड में देखेंगे पूरा एकदम शारदा नहर, शारदा नदी जो है, पहाड़ों सीधे पानी आता है नीचे डायरेक्ट। यहाँ से आप पदयात्रा करेंगे, उसके बाद पहुँचेंगे आप सिद्ध बाबा मंदिर, उनके धाम, और वहाँ पर आपको ऐसी दो मिलेंगी, दो मंदिर पर चढ़ाई जाएंगी। ये बाहर ले लेंगे तो सस्ते में निपट जाएंगे, और अगर वहीं लेंगे जाके तो आपको थोड़ा महंगे निपटना पड़ेगा। तो आप इंडिया में ही ले लेना, जैसे आप शारदा बैराज पे आएंगे वहीं ले लेना, सस्ता पड़ जाएगा आपको। देखते हैं आगे का सफ़र कैसा है, पैदल चलने थक गए हैं कल से ये भाई बैठे हैं देखो बेचारे धूप में। बाकी आगे तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। बॉर्डर से आपको चलना पड़ेगा पैदल, तो जब पैदल आप चलेंगे तभी पहुंचेंगे, लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र आपको तय करना पड़ेगा। कौन सा मंदिर ये वाला? सिद्ध बाबा मंदिर के लिए। और यहाँ से साइड में देखेंगे पूरा एकदम शारदा नहर, शारदा नदी जो है, पहाड़ों सीधे पानी आता है नीचे डायरेक्ट।
यहाँ से आप पद यात्रा करेंगे, उसके बाद पहुँचेंगे आप सिद्ध बाबा मंदिर उनके धाम, और वहाँ पर आपको दो ऐसी दो मिलेंगी, दो मंदिर पर चढ़ाई जाएंगी। ये बाहर ले लेंगे तो सस्ते में निपट जाएंगे, और अगर वहीं लेंगे जाके तो आपको थोड़ा महंगे निपटना पड़ेगा। तो आप इंडिया में ही ले लेना, जैसे आप शारदा बैराज पे आएंगे वहीं ले लेना, सस्ता पड़ जाएगा आपको। देखते हैं आगे का सफ़र कैसा है, पैदल चलने थक गए हैं कल से। ये भाई बैठे हैं देखो बेचारे धूप में, बाकी आगे तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। मेले के अंदर एंट्री हो चुकी है हमारी, देखो कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। थोड़ा सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर सुना है कि चोर वोर बहुत हैं। अभी भाई से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे उनका पर्स निकल गया है, तो डर तो लग रहा है, अब क्या करें, ध्यान तो देना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। ये देखिए बहुत भीड़ है, हाँ इतनी भीड़, और वो आगे सामने है गेट। ऐसा है कि छाया मंदिर पे आ चुके हम लोग, और यहाँ देखो दो मंदिर हैं, यहाँ पे भीड़ काफ़ी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइड में बहुत काफ़ी भीड़ है, समझ के थोड़ा बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, दो मंदिर हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरे से। मैंने बोला था यहाँ पे दो मंदिर हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत भीड़ लगी है, यहाँ पे एक ये है यहाँ पे, एक मेन मंदिर उधर है, वो मंदिर में है वहाँ पे, तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, तो लाइन में तो लगना ही पड़ेगा, क्या देखते हैं क्या होता है। भाई खुला है आपका, भाई बहुत भीड़ है यहाँ तो यार, इतनी भीड़ है, मैं पहली बार आया हूँ नेपाल में यहाँ पे। वैसे मैं महेंद्र नगर पहले गया था, जब पूर्णागिरी पिछली बार आए थे, जब लगभग हो गए 10 साल, तब मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था। अब देखो यहाँ ये मेन मंदिर है सामने, आप देख रहे हो ये मेन मंदिर है, और इस मेन मंदिर में आप आएंगे तब आपको लाइन में लगना पड़ेगा, भीड़ भी काफ़ी है और बहुत बढ़िया माहौल है। और ये है नेपाल, ठीक है, ये है भाई नेपाल यहाँ पे। अब यहाँ पर बैठने वैठने की व्यवस्था तो ज़बरदस्त एकदम है, बहुत सारे लोग बैठे भी हैं, एकदम एक नंबर का माहौल है यहाँ पे। सामने है ये मंदिर, सिद्ध बाबा का मंदिर है ये, और ये पूरा इसका इधर का एरिया है इस तरीके से। लाइन तो समय लगी, क्यों लाइन लगी, इधर चला देंगे ऐसे ही। और ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो इधर सेकंड गेट उधर आपको मिल जाएगा, सामने सेकंड गेट है ये, आप इधर से भी लाइन में लग सकते हैं, इधर ही दोनों साइड से आप लाइन में लग सकते हैं। तो बैठे हैं भाई यही किनारे साइड में बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है, थोड़ी देर वेट करेंगे उसके बाद जाएंगे मंदिर में। तो ये मंदिर का परिसर है यहाँ पे, ये मंदिर का परिसर है, और यहाँ पे आपको तीन मंदिर यहाँ पे दिख जाएंगे, एक ये मंदिर इधर भी आपको यहाँ पर, और एक यहाँ पर, ये कस्तूरी है, ये काहे से बनता है कस्तूरी, मतलब ये हिरन का होता है, वो हिरन का होता है, तो नेचुरल बाल है इसके, तो ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, कोई ऐसा नहीं, क्या है इसके मतलब क्या होगा, कितने का है ये, ढाई सौ रुपये का, बहुत महंगा यार, हाथ में पकड़ गया हमारे हाथ, रोज सरकार में कुछ रोजी दौड़ आता है, हवा बिहार का चक्कर है, जादू तो सुख शांति के लिए होता है, रोजी का बरकत के लिए होता है, सुख शांति है, और ले जा एक सिलाजिल ले जा, सही बात, झगड़ा ढेर होता है तो जरूरत है। ये काला वाला क्या है, ये काला वाला क्या है, ये अच्छा ऐसा सिलाजिल होता है, तो ये वो होगा केसर, केसर है, कैसा दिया जी, तो भाई हाथ रगड़ा मेरे यार, मेरे हाथ रगड़ा था अभी, अच्छा है मतलब,
डील अच्छा हुआ, चलो सही है। चलो भाई मैं एग्जिट कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ घर अपने, और यहाँ पर पूरा एंजॉय किए हैं, मैया जी के दर्शन भी किए हैं, सारा सब कुछ अच्छे से हो गया। और अब मैं चल रहा हूँ अपने घर की तरफ, मुझे वीडियो एडिट भी करना है, अभी अपलोड भी करना है, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। लास्ट टाइम में दर्शन कर लूँ आप लोग, ये पूरा है। ओके चलो चलते हैं अब, ये गेम सही लग रहा है। यार ट्राई नहीं मार पाए तुम लोग सही से। ओ भाई अरे मार दिया भाई, दराटे काट दिए तुम तो। अरे भाई सौ के चक्कर में है भाई।